मेरे काशी में तो शिव जी के बिना कुछ नहीं चलता है। हैं आप सब लोग, थोड़ी सी वाइफ भी तो चेक हो जाए। लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है और इसलिए आज उस जगह पे आप हैं, भारत मंडपम। मैं आपको जो है मोदी जी से मिलने वाला हूं और हम जा रहे हैं फर्स्ट नेशनल क्रिएटर अवार्ड को जो है अटेंड करने के लिए, जो दिल्ली में हो रहा है भारत मंडपम में, प्रगति मैदान के अंदर। तो क्रिएटर हमको जो है इनवाइट आया हुआ है माय गवर्नमेंट की तरफ से, तो भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, सारी चीजें आपके साथ भी शेयर करते हैं और जो है मैं एकदम रेडी हो चुका। तो फटाफट से चलते हैं एयरपोर्ट और लेते हैं फ्लाइट और पहुंचते हैं दिल्ली। तो फाइनली हम जो है एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, टर्मिनल 1 है जहां से हमारी फ्लाइट होने वाली है। अब फटाफट से जो है कैब की पेमेंट वगैरह करते हैं और अंदर चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर। तो फाइनली जो है सारी सिक्योरिटी चेक इन वगैरह प्रोसेस जो है खत्म हो चुकी है, बोर्डिंग पास भी अपने पास आ चुके हैं, अपना जो गेट नंबर है वो 2 है, हम वही की तरफ जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे शॉप वगैरह से तो कुछ हमको लेना नहीं है और बहुत जल्दी आ गया, अभी तो 12 भी नहीं बजे, 2 बजे की फ्लाइट है और बोर्डिंग स्टार्ट होगी शायद 1 बजे। ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री मील आ चुका है, इसके अंदर एक सैंडविच बिस्किट एंड जूस है, आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करो। तो फाइनली हम जो है दिल्ली लैंड हो चुके हैं, इसी फ्लाइट के अंदर आए थे, आप देख ही सकते हो भाई कितना ही मैसिव दिखता है ना इसका इंजन वगैरह। यहाँ पे ये जो बंदा है वो चेक बैक कर रहा है, अभी देखते हैं माय गवर्नमेंट की टीम से हमको कौन लेने वगैरह आया है। 3:52 पे फाइनली जो मैं दिल्ली पहुंच चुके हैं, अभी माय गवर्नमेंट की तरफ से मतलब जो नेशनल क्रिएटर की टीम है ना वो लेने आने वाली है। बस पूरी ठसोठस भर चुकी है, दूसरी आने वाली है फिर भी सब इसमें घुस रहे हैं। तो फाइनली 4 बजे तक जो है फ्लाइट जो है हमारी आ चुकी है, मतलब 10-20 मिनट आगे पीछे हो चुकी है, 4 बज चुके और हम जो है दिल्ली में आ चुके हैं। माई गवर्नमेंट की टीम आ चुकी है, अभी देखते हैं होटल्स वगैरह का क्या सीन है। 2000 years later फाइनली भाई मतलब होटल ढूंढने में बहुत ज्यादा होच पोच हो गई, फाइनली जो है हमने जो है होटल चेक इन कर लिया है। अभी होटल की बात करूँ तो नॉर्मल सा ही रूम है, आपको जो है रूम टूर दे देता हूँ मैं थोड़ा सा इसको फैला, उससे पहले 2 बेड्स लगे हुए जॉइंट और यहाँ पे एक छोटा सा मे बी ओके टॉयलेट बाथरूम है और कुछ नहीं, यहाँ पे एसी लगा हुआ है और यहाँ पे छोटा सा टेबल वगैरह है। तो भाई मतलब सारी चीज़ें बढ़िया थी, मतलब फ्लाइट टिकट वगैरह, बट ये जो होटल्स वगैरह में ना थोड़ा सा वर्कफुल हो गया, बाकी अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास। देखो कल तो इवेंट कल है, अभी तो 6 बजे है, देखते आसपास कुछ चीज़ है अगर आपको दिखाने लायक मैं जाता हूँ, देखते हैं मतलब कुछ शॉपिंग वॉपिंग अगर करनी है तो उसका भी सीन देखते हैं। बाकी भाई फ्लाइट तो 2 ही घंटे की थी, मतलब 1 ही घंटे की थी, यहाँ आके बहुत टाइम वेस्ट हुआ है। कोई बात नहीं, अब मैं थोड़ा सा फ्रेश होता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ, बाय बाय। हम जो है जहाँ पे इवेंट है ना प्रगति मैदान वहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स का जो बोर्ड लगाया हुआ है और अभी देखते हैं पासेस वगैरह लेते हैं और अंदर जाते हैं। अंदर आ गए भाई जी, आएंगे तब तक स्क्रीन पे देख लो। फाइनली हम जो है हॉल के अंदर पहुँच चुके हैं, भाई साहब मोदी जी के भी साक्षात दर्शन हो चुके हैं। अभी भाई मैं बोलूँगा या नहीं बोलूँगा मेरे को नहीं पता भाई, क्राउड इतना है ना मेरी आवाज़ आएंगी भी या नहीं भाई, अभी मैं बोल नहीं रहा, आप बस शॉप ले लो, मोदी जी बोल रहे हैं और ये जो क्राउड बोल रहा है कि ये मेरी आवाज़ की आपकी आपको सुनाई देगी या नहीं मेरे को नहीं। कैसे हैं आप सब लोग, थोड़ी सी वाइब भी तो चेक हो जाए। देश के कोने कोने से यहाँ उपस्थित सभी कंटेंट क्रिएटर्स वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है और इसलिए आज उस जगह पे आप हैं, भारत मंडपम। और यही जगह है जहाँ G20 से सभी मुखिया यहाँ इकट्ठे हुए थे
और आगे की दुनिया कैसे क्रिएट करनी इसकी चर्चा कर रहे थे, और आज आप लोग हैं जो भारत का भविष्य कैसे क्रिएट करना उसकी चर्चा करने के लिए आए हैं। मंडपम में देश अपने उस दायित्व को पूरा कर रहा है। पहले नेशनल क्रिएटेड अवार्ड्स यानी पहला है ये आयोजन, नए दौर को समय से पहले पहचान देने का आयोजन है। पूछते हैं कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, ऐसा मुझे पूछते हैं, मैं हर एक को जवाब नहीं देता हूँ। कोई रेस्टोरेंट वाला अपना किचन दिखाता है क्या? लेकिन आपको मैं बता देता हूं, ईश्वर कृपा है, मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं। और मेरे काशी में तो शिव जी के बिना कुछ नहीं चलता है। आपने कंटेंट क्रिएशन का कोई कोर्स नहीं किया है, है ही नहीं तो क्या करोगे? पढ़ाई के टाइम करियर सेलेक्ट करते हुए ये सोचा भी नहीं होगा कि हम कंटेंट क्रिएटर जैसा कुछ बनेंगे। लेकिन अपने भविष्य को पहचाना, फ्यूचर को देखा, और ज्यादातर लोगों ने वन मैन आर्मी की तरह काम शुरू कर दिया। राइटर, आप ही डायरेक्टर, आप ही प्रोड्यूसर, आप ही एडिटर, यानी आपको ही सब कुछ करना होता है। उसी के कारण आज आप सब यहां पहुंचे हैं और देश बड़ी आशा के साथ आपको देख रहा है। आपका कंटेंट आज पूरे भारत में जबरदस्त इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। आप एक तरह से इंटरनेट के MVP। जब मैं आपको MVP कहता हूं मतलब मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन बन गए हैं। खैर मैं तो उसको देखकर के राम राम करके वापस आया। इवेंट भाई कंप्लीट हो चुकी है, मोदी जी अब यहां से जा रहे हैं, और भाई क्राउड नेक्स्ट लेवल हो चुका है, भूख भी तगड़ी लगी है, देखते हैं भाई बाहर। मेरे को नहीं लगता भाई फोटो वोटो क्लिक होगी भाई, अलग लेवल पे क्राउड हो चुका है। फोटोज के लिए रुके थे बट मेरे को नहीं लगता भाई फोटोज होगी भाई, बस यहाँ से अभी निकलना है भाई जल्दी। इवेंट था वो कम्प्लीट हो चुका है और अभी जो है हम एग्जिट कर रहे हैं, कुछ अराउंड 12:30 के आसपास हम जो एग्जिट कर रहे हैं। अभी करने के लिए तो वैसे टाइम तो बहुत है, बट देखते अभी एयरपोर्ट वगैरह क्या है इनकी मैनेजमेंट के अंदर, उस हिसाब से देखते, मतलब मे बी एयरपोर्ट ही जाना पड़ेगा। और एक बार अगर रश दिखाओ ना बहुत ज्यादा कम। इवेंट 1 बजे कंप्लीट हो चुका था और हमको 22 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लग गए भाई दिल्ली के ट्रैफिक के अंदर। क्राउड नेक्स्ट लेवल था, हमने इंडिया गेट वगैरह भी देखा, और भाई बस के अंदर ही हमारे जो है थोड़े से फ्रेंड्स बन चुके थे, गुजराती भाई लोग थे, मैम भी गुजराती, मतलब गुजराती मली जाए तो भाई सूझ हुई है। तो हमने जो है खाना वाना खाया, साथ में फोटोज वगैरह क्लिक की, और 4 घंटे एयरपोर्ट पे हम लोगों ने साथ पे बिताए, तो मजा ही आ गया था वो अलग ही। चेक इन प्रोसेस वगैरह हमने कंप्लीट कर दिए, एयरपोर्ट के अंदर हम आ चुके हैं, मतलब सारी सिक्योरिटी चेक इन बैगेज वगैरह सब कुछ हमने दे दिए। तो बस आज के व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, और आपको थोड़ा सा जो है ना एक्सप्लोर करवा देता हूं। बाकी वैसे डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स है ना, यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए भी ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें नहीं है, इंटरनेशनल होता तो फिर और भी कुछ ब्रांड्स वगैरह होते। बाकी ऐसे मेरे को कुछ लेने लायक चीज़ भी नहीं दिख रही, और अगर कुछ दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो मतलब यहाँ पे थोड़ी सी स्टोर्स है और ऊपर फूड कोर्ट वगैरह, यहाँ पे वैसे कुछ चीज़ें वैसे दिखाने के लिए है नहीं। बाकी अगर अभी तक वीडियोस देख रहे हो ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जो क्रिएटर इवेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, सारा जो चेकआउट वगैरह का जो प्रोसेस था वो भी मैंने कम्प्लीट कर दी। तो बस अभी आराम से बैठते हैं लाउंज वाउंज में, ऊपर जाते और फिर ये वाला व्लॉग मैं एंड कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं बोलता हूँ आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो।